Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. As you know that we have already started the topic in English language and the name of the topic is tenses. Today, inshallah ta'ala, we will start our fourth and last tense of present tense and the name of the tense is present perfect continuous tense. But in today's lecture, I will not inform you anything about the identification, formula, how is the procedure of making the sentences into negative and interrogative, but I will just focus on what is the procedure, what is the way of using since and for in our sentences. Because when inshallah ta'ala I will inform you about the formula, you will be understood by yourself that we will have to use both the words, that is since or for, in our sentences. सबसे पहले हमें ये बात अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि सिंस किन जुमलों में इस्तेमाल होता है और फॉर किन जुमलों में इस्तेमाल होता है. अगर हमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल अच्छी तरीके से नहीं पता तो स्टूडेंट्स हमें जुमला बनाते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है. लिहाजा आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम ये डिस्कस करेंगे कि सिंस का इस्तेमाल क्या है और फॉर का इस्तेमाल क्या है. और इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम अपलोड करेंगे उसमें इन तमाम चीज़ों के हवाले से अल्लाह ने चाहा तो आपको बताएंगे. सबसे पहली बात तो ये है कि सिंस और फॉर ये दोनों के दोनों जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का आपको यूज़ करना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए अच्छी तरह कि सिंस जो है वो इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जबकि फॉर जो है वो इस्तेमाल होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए. इसकी एग्जाम्पल्स के हवाले से हम बात करते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर इंशाल्लाह समझ में आएगा. सिंस जो है वो इस्तेमाल होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जबकि अगर हम बात कर रहे हों फॉर के हवाले से तो फॉर इस्तेमाल होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए. ये पॉइंट ऑफ टाइम से क्या मुराद है, ये पीरियड ऑफ टाइम से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि किसी मखसूस टाइम के हवाले से अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं, तो वो वहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा सिंस. मिसाल एक देते हैं इसकी, फॉर एग्जाम्पल सिंस मॉर्निंग. अगर आप बोलते हैं सिंस मॉर्निंग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई काम सुबह से कर रहे हैं. सिंस मॉर्निंग हो सकता है, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं सिंस इवनिंग, सिंस नून दोपहर से कर सकते हैं, सिंस आफ्टरनून, इस तरह के जो वर्ड्स अगर इस्तेमाल हो रहे हैं तो यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा सिंस. यानी कि कोई काम आप सुबह से कर रहे हैं या शाम से कर रहे हैं या दोपहर से कर रहे हैं या सपहर से कर रहे हैं, जिसको आफ्टरनून कहा जाता है, तो वहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे सिंस. इसी तरीके से सिंस की एक और मिसाल हो सकती है, क्या बोल रहे हैं, सिंस थ्री ओ क्लॉक का क्या मतलब हो जाएगा कि आप कोई काम 3 बजे से कर रहे हैं. ये 3 बजे रात का भी हो सकता है और 3 बजे जो है वो सपहर का भी हो सकता है. आप इसको कह सकते हैं सिंस 5 o'clock, क्या कोई काम जो है वो शाम 5 बजे से कर रहे हैं या वो काम सुबह 5 बजे से कर रहे हैं. 5 o'clock से पता नहीं चलेगा कि ये सुबह का टाइम है या शाम का टाइम है, लेकिन 5 o'clock से कोई काम आप कर रहे हैं तो वहाँ पे आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे. इसी तरीके से सिंस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं कि सिंस जो है वो मंडे, कोई काम आप मंडे से कर रहे हैं, कोई काम फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ्राइडे से कर रहे हैं, तो हफ्ते के 7 के 7 दिन वो सिंस आ जाएगा. मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सारे के सारे दिनों के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे. इसी तरीके से एक चीज़ और हो सकती है कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि सिंस जनवरी, सिंस मार्च, सिंस जून, जितने भी महीने हैं 12 के 12 महीने, उन तमाम महीनों के साथ जो है वो आप सिंस यूज़ करेंगे. यानी कि इस फला टाइम से आप कोई काम कर रहे हैं. सिंस के हवाले से मैंने आपको बताया पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है एक मखसूस टाइम के हवाले से वो बताएगा, क्योंकि जब आप बोलते हैं सिंस मार्च, इसका मतलब ये हुआ कि मार्च से पहले वाला महीना मार्च के बाद वाला महीना इस्तेमाल नहीं हो रहा. सिंस मार्च का मतलब होता है कोई मखसूस महीना है, फला महीने से आप कोई काम कर रहे हैं. इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम बात करें हफ्ते के दिनों के लिहाज से, तो वहाँ पे भी जब आप कोई मखसूस दिन के हवाले से बात करते हैं कि सिंस मंडे या सिंस फ्राइडे, तो इसका मतलब है मखसूस दिन का जिक्र जब आप करते हैं तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया. यानी कि आपने एक स्पेसिफिक बता दिया फला दिन से काम कर रहे हैं. इस तरीके से 3 o'clock, 5 o'clock के अंदर भी आपने स्पेसिफिकली इन्फॉर्म कर दिया कि फला टाइम से काम कर रहे हैं, सुबह से काम कर रहे हैं. ये सारे के सारे सिंस की मिसालें. आप इसके अंदर एक मिसाल और भी ऐड करा सकते हैं,
कि जैसा कि आप लिख सकते हैं सिंस 1997, सिंस 2005, सिंस 2015, ये जितने भी साल होते हैं, जितने भी ईयर्स होते हैं, उन तमाम के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इट मीन्स दैट सिंस जो है जब भी यूज़ होगा तो वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होगा। और सिंस याद रखिएगा, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपको फॉर्मूला लिखवाएंगे यहाँ पर, तो उस फॉर्मूले के अंदर भी सिंस का या फॉर का इस्तेमाल आएगा, तो आपको पता होना चाहिए सिंस की मिसालें कौन कौन सी हैं। बिल्कुल इस तरीके से हम बात कर लेते हैं फॉर की, और फॉर जो है वो याद रखिएगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यहाँ पर क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम से रिलेटेड बात होगी सिंस के अंदर, लेकिन फॉर में बात होगी पीरियड ऑफ टाइम की, यानी कि कितना दौरानिया है, कितना वक्फा है। तो जो दौरानिया और वक्फे की जब आप बात करेंगे तो वो फॉर का इस्तेमाल होगा। जो आपने अगर सेंस अच्छी तरीके से समझ लिया तो फॉर को समझना आपके लिए बिल्कुल ही मुश्किल साबित नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं सेंस मॉर्निंग या सेंस इवनिंग आप काम कर रहे हैं, तो मॉर्निंग से लेकर इस वक्त तक जितने नंबर ऑफ आवर्स गुजर चुके हैं वो यहाँ पर आप यूज़ कर लीजिए, तो फॉर का इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर बोल सकते हैं फॉर द लास्ट आमतौर पर लिखा जाता है फॉर द लास्ट, और फॉर द लास्ट के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे कि जितने नंबर ऑफ आवर्स गुजर चुके हैं। फर्ज करें 5 घंटे गुजर चुके हैं, तो आप लिख सकते हैं फॉर द लास्ट 9 आवर्स। ये जो 5 घंटे या 9 घंटे आप यहाँ पे बयान कर रहे हैं, ये यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा, ये फॉर की इस्तेमाल हो गया, यानी कि फॉर को आप यूज़ करेंगे। और जब आप फॉर द लास्ट यूज़ करेंगे तो इसका मतलब हुआ इतने नंबर ऑफ आवर्स गुजर चुके, तो जितने भी नंबर ऑफ आवर्स गुजर चुके होंगे वो बेसिकली बता रहा होगा कि कितना वक्फा गुजर चुका है, कितना पीरियड ऑफ टाइम हो चुका है। नेक्स्ट चीज़ आपसे कहता है सिंस 3 o'clock, सिंस 5 o'clock, तो 3 बजे से लेकर इस वक्त तक जितने घंटे गुजर चुके हैं, यहाँ पे भी ये वाली इस्तेमाल हुई मिसाल, क्या आप लिख सकते हैं फॉर द लास्ट 2 आवर्स, फॉर द लास्ट हाफ एन आवर, हाफ एन आवर का मतलब होता है आधा घंटा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि जो हफ्ते के दिन होते हैं मंडे ट्यूसडे वेनसडे वगैरह, उसको जब आप फॉर में यूज़ करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ डेज गुजर चुके हैं। मिसाल के तौर पर आज अगर हम बात कर लेते हैं वेनसडे है, और हम बात ये कर रहे हैं कि कोई काम हमने फ़र्ज करें मंडे से शुरू किया है और आज स्टार्ट हो गया है वेनसडे, तो हम बोलेंगे मंडे से लेकर ट्यूसडे, ट्यूसडे से लेकर वेनसडे 2 डेज गुजर चुके हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर द लास्ट टू डेज। अगर फर्ज करिए 5 दिन गुजर चुके हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर द लास्ट 5 डेज। ये 2 डेज बोलना या ये 5 डेज बोलना इस बात की अलामत है कि आप बेसिकली पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। आप जितना वक्फा गुजर चुका है, जितने नंबर ऑफ आवर्स या जितने नंबर ऑफ डेज गुजर चुके हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे, सिंस कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। अगली मिसाल है आपके पास महीनों के लिहाज से, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं जनवरी से लेकर अभी तक जितने महीने गुजर चुके, या फर्ज करें जून से लेकर, पिछले साल जून से लेकर अभी तक जितने महीने गुजर चुके, तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे फॉर द लास्ट। तो यहाँ पे मिसाल क्या बन जाएगी, फॉर द लास्ट मिसाल के तौर पर 7 मंथ्स, पिछले 7 महीने से फला काम किया जा रहा है। फॉर द लास्ट 10 मंथ्स, पिछले 10 महीने से ये काम हो रहा है। तो फॉर द लास्ट 7 मंथ्स, फॉर द लास्ट 10 मंथ्स, फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, जो भी मिसाल है, तो यहाँ पर भी आप फॉर द लास्ट का इस्तेमाल करेंगे। और 7 मंथ्स हो, 10 मंथ्स हो, 2 मंथ्स हो, हाफ मंथ हो, आधा महीना, ये सारे के सारे इस बात की अलामत है कि आप बता रहे हैं कि कितना वक्फा गुजर चुका है। इसी तरीके से नंबर ऑफ़ ईयर्स की बात कर लेते हैं, 1997 से लेकर अभी तक जितने नंबर ऑफ़ ईयर्स गुजर चुके हैं, 2005 से लेकर अभी तक यानी कि 2021 स्टार्ट हो चुका है, जितने नंबर ऑफ़ ईयर्स गुजर चुके हैं, 2015 से लेकर अभी तक जितने नंबर ऑफ़ ईयर्स गुजर चुके हैं, वो आप नंबर ऑफ़ ईयर्स गिन लेंगे। और गिनने के बाद यहाँ पे आप बताएंगे कि फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, 10 साल से फला चीज़ हो रही है। फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, 15 साल से फला काम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, सिंस में और फॉर में अगर आपको इस्तेमाल अच्छी तरीके से आता है, तो जब इंशाल्लाह आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, ये बात बता दूँ, इस सिंस और फॉर का इस्तेमाल, इसका फ़ायदा आपको खाली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही नहीं मिलेगा, बल्कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यही इस्तेमाल है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब आप पढ़ेंगे तो उस वक्त भी आपको यही इस्तेमाल करना पड़ेगा। लिहाजा सिंस और फॉर का इस्तेमाल अच्छी तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए, और ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि सिंस के साथ क्या चीज़ें लगती हैं, यानी कि इसकी एग्जाम्पल्स, और फॉर के साथ क्या चीज़ें लगती हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने आपको सिंस और फॉर का इस्तेमाल समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाएं, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube पर हमारे चैनल मौजूद है सर अली अहमद के नाम से, इसको सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट्स फ़ौरन और बरवक्त मिल सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।